तो अभी हम पहुंच गए और ये चाय ले ली हमने, खाना पूर्ण किया। कितना सारा पानी जमा हो गया, ये देखो यहाँ से कितना ज्यादा पानी जा रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम छतरी लेके निकल पड़े अपने रास्तों पे। ये देखो गाइस, यहाँ पे बढ़िया, मतलब अभी हवा चालू है और छतरी उड़ जाएगी, देखना पकड़ कर। तो गाइस अभी दिक्कत ये है कि सुबह से पानी चालू है। तो गाइस सुबह से इतना खतरनाक पानी चालू है, आप देख सकते हो हमारे बैकग्राउंड में, देखो पानी। हाँ, ये देखो गाइस पानी, गाइस इतना पानी जम गया है, इतना सुबह से पानी चालू है। सुबह से अबे अभी बंद हुआ, कानपुर के पूरे नाले गंदे नाले साफ हो गए, गंदे नाले जिनको गंदे बोलते थे वो अभी साफ हो गए गाइस। हाँ बम माहौल था गाइस। ये देखो गाइस पानी पूरा डूब गए घर। तो गाइस अभी हम चालू है रोड पे, भाई मेरे को छतरी दे दे यार फटाफट, छतरी में आ गया है छतरी। धीरे गाइस, धीरे का धीरे धीरे कुछ नहीं होता जीवन में। अरे सब जा रहे भाई अपने पवार सर, जा रहे पवार सर, देखो मत पवार सर ने देख लिया और नजर घुमा लिया हमारे साथ। ये देखो गाइस यहाँ से झरना जा रहा है, यहाँ से झरना जा रहा है पानी का, और ये देखो कितना सारा भर गया। ये जो आपको दिख रहा है पूरा पानी ही है, आपको आगे चल के हम बताते। ये राइट साइड पूरा खेत ही खेत, ये बाप, अरे गाइस कितना पानी जम गया है। ये देखो, और ये कौन सा रोड है बताया क्या? ये अपने नवोदय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय स्कूल है ना, वो वाला रोड है उसके सामने का। सैया ने देखा ऐसे ये खंबा पूरा डूब गया। ये देखो रुक जाना जरा, यहाँ से तो देखने दे, देखने बेटा उन को मना कर रहा हूँ। ये देखो गाइस कितना सारा पानी जमा हो गया, दूर दूर तक पानी पानी हो गया है, पानी पानी पूरा खेत डूब गया। भाई किसका खेत है ये? अपने भाई का है, अपने लोकेश भाई का, लोकेश। अच्छा तो भाई पूरा पानी पानी हो गया। असल भी होगा जो, हाँ हम चल पड़े, हाँ चमकते हम खड़े, चांद को बोला। आपको गाइस आपको भी मैं पानी दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो गाइस पूरा का पूरा कीचड़ भरा है, दलदल पानी पानी हो गया गाइस वहाँ पे। ये देखो बस वाला क्या बात है, खेत में पानी आ गया। तो गाइस ये देखो यहाँ से कितना ज्यादा पानी जा रहा है पूरा उस रोड का, ये वाले रोड का, ये वाले खेत में का, इधर वाले खेत में जा रहा है, उनकी दुश्मनी होंगी कुछ। हाँ, हाँ। शाम के वक्त और अभी थोड़ा सा अचानक से धूप निकल आई। वाह क्या सीन है, क्या सीन है, पता नहीं कैसे। ये देख, तो अभी हम जाने वाले हैं खानापुर की चाय पीने, तो अभी चलते हैं। शुभम भाई और विशाल और मैं नीचे वेट कर रहे हो, तो अपन चलते हैं अभी खानापुर की चाय पीने। और गाइस आपको मेरे पीछे कुछ दिख रहा होगा, ये देखो क्या रेनबो बना, क्या रेनबो बना, दिख रहा है आपको रेनबो? एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं बैक साइड से बताता हूँ अच्छे से। ये देखो गाइस क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखो ये जा रहा है इधर से रेनबो। और आ जा रहे हैं शुभम भैया मुंबई से। हाँ भाई बहुत दिनों बाद आए हो गाँव, तो आज ही हम एक और बार हम तीन लोग जाने वाले, ऋतिक तो नहीं है, बहुत बोर लग रहा है, काफी मजा नहीं आ रहा इतना, बहुत ज्यादा बोर लग रहा है। तो चलो कुछ जाते हैं आज बाहर और बनाते हैं नया ब्लॉग और पीते हैं खानापुर की चाय जो कि बहुत फेमस है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। रास्ता है आप देख ही सकते हो कितना गंदा रास्ता होता है। अरे गाइस इतना गंदा रास्ता है, अला आडी ये देखो गाइस, मराठी मराठी अरे वो मराठी है, मराठी गड्ढा जाता है रे आडी। हां ना यार कितना मोटा गड्ढा है, अला काय कितना पाणी रे, की जरूरत बोलता तो हो गया। अरे आडी कितना गारा जा रहा है रे, वो तुमसे वही नहीं मैं निवेदन करते कि यार रोड सुधार दो, उसी के वजह से गाइस ये होते एक्सीडेंट आगे, मतलब जो भी होते हैं और उस कारण से गाड़ी पर डाल नहीं होता है क्या? आता हमारे महाराष्ट्र की मोटर लग लिया था, महाराष्ट्र गाय साहब कुछ कहना चाहता है, कुछ कहना चाहता है
तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर अच्छे लगे होंगे कि हमने निकालने चाहिए नेक्स्ट वाले जो पार्ट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें ज़रूर। हाँ तो उससे कैसा है हमें ज़रा अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी लगती है कि बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, अभी क्या भाई बस आ गया बस हम तीनों भाई पहुंच चुके हैं गाइस, शिवम भाई और विशाल। तो अभी हम पहुंच गए और ये चाय ले ली हमने खानापुर के। तो गाइस अभी मैं अपने घर पे आ चुका हूँ चाय पी के, और अभी मैंने मतलब ये वाला ब्लॉग मुझे बताया कि काफ़ी ज़्यादा अटपटा होने वाला है, मतलब कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है और कभी कुछ हो रहा है। तो ये वाला ब्लॉग मतलब मैंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बनाया था, तो भी इम्पोर्टेंट काम याद आ गया था इसलिए मेरे को ब्लॉग बंद करना पड़ा, तो हम फटाफट घर पे चले गए थे। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हो रहे रात के 12:30, मतलब मैं इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रहा था, बिल्कुल इच्छा नहीं थी बट मैंने सोचा कि भाई कर लेता हूँ। इस ब्लॉग को भी लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है उसको फुल सपोर्ट करो गाइस, फुल सपोर्ट करो, 50 लाइक करवा दो बस, है ना। तो बस वही कहना चाहता हूँ, तो अभी मिलते जल्दी अच्छे वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक ले बाय।